पे खर्चा होगा और वो पीडब्ल्यूडी उस कार्य को कर रही है। और सर स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे कार्य है जहाँ नगर निगम भी साथ मिलकर कर रही है, कुछ ऐसी योजना, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं? स्मार्ट सिटी के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी CPWD, HPWD, SPRIDC और MC शिमला भी कार्य कर रहे हैं। तो MC शिमला जो इसमें बहुत अधिक कार्य तो नहीं, बट जैसे वार्ड्स में प्राइमरीली जो छोटी छोटी पार्किंग्स बननी है वो बना भी रहे हैं, और उसमें 50 के आसपास हमने छोटी पार्किंग्स वार्ड्स में बना भी दी हैं, जिससे जिसमें कि 600 के आसपास गाड़ियां पार्क हो रही हैं और ये चल भी रहा है। और एक विकास नगर में 11 करोड़ की वो बड़ी पार्किंग भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही बन रही जैसे है। टाइलिंग का प्रोजेक्ट शुरू होना है नगर निगम के, वो किस तरह से रहेगा, कितने लोगों को इसका बेनिफिट होएगा जो स्मार्ट नगर निगम कराने वाला है? नगर निगम में जैसा कि आपको विदित हो गया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी नगर निगम को 10 करोड़ रुपया स्पेसिफिकली शहर की टारिंग के लिए दिया गया है, जो कि काफ़ी समय से होनी ज़रूरी थी। इसका कार्य कुछ वार्ड्स में तो हमने स्टार्ट करा भी दिया है, और जिसके जिसमें कि अभी आपने देखा होगा सिसल से जो नीचे रास्ता यारोज को जाता है वहाँ पे हमने टारिंग कंप्लीट करा दी है। एक टूटीकंडी में आश्रम को जो रास्ता जाता है उसकी टारिंग चल रही है, और बाकी कुछ जगह की टारिंग्स जो है उसके हमने टेंडर किए हुए हैं, और अभी मौसम पीछे से थोड़ी बारिश रही, जैसे ही वो ठीक होगा वहाँ का कार्य भी स्टार्ट कर दिया सर जाएगा सुलभ टारिंग का। शौचालय को लेकर किस तरह से कार्य कर रही है नगर निगम? नए सुलभ शौचालय क्या बनाए जा रहे हैं, कितने तैयार हुए हैं, हिसाब से किस तरह बैठेंगे सफाई जो व्यवस्था को लेकर किस तरह? शिमला MC में हमारे पास पब्लिक टॉयलेट्स 130 के आसपास हैं, और निरंतर जहां लोगों की डिमांड है या फुटफॉल ज़्यादा है वहां पे हम नए टॉयलेट्स बना भी रहे हैं। जैसे टूटू में 3 टॉयलेट्स बनाए हैं, संजौली में संजौली कॉलेज के नीचे भी एक नया टॉयलेट हमारा बन करके तैयार है। आपने मॉल का टॉयलेट देखा होगा, वो हमने मॉडर्न टॉयलेट वहाँ पे बनाया है। एक मॉडर्न टॉयलेट जो रिज के ऊपर है मेयर के ऑफिस के टाउन हॉल के सामने, उसको भी आजकल बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम पब्लिक टॉयलेट्स को रेनोवेट भी कर रहे हैं, नए भी बना रहे हैं, और ये जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं इनको हमने सुलभ इंटरनेशनल को दिया हुआ है। इनका रख रखाव जो है साफ सफाई की व्यवस्था सुलभ इंटरनेशनल ही देख रही है। जैसे कूड़े के बिल बढ़ने थे, अब आने वाले समय में कूड़े के बिल कितने प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे और किस तरह से रहेगा? ये MC के हाउस से काफ़ी पहले से ही अप्रूव्ड है, और उसमें जो हमारे साहिब सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्योंकि सैलरी प्रति वर्ष 10% बढ़ती है, और वो बड़ी मेहनत से हर वार्ड में, क्योंकि हमारे शहर की टोपोग्राफी भी ऐसी है तो उनको पीठ पर ये कूड़ा उठा करके गाड़ी तक लाना पड़ता है, और वहाँ से फिर ये सॉलिड वेस्ट प्लांट में जाता है। उनकी सैलरी हर साल बढ़ती है, और उसी प्रोसेस में 10% जो है हम हाइक इसमें करते हैं।